वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी को एक ऐसा हेयर ग्रोथ ऑयल बनाना सिखाऊंगी जो कि आपके बालों को बहुत तेजी से बढ़ाएगा और आपके बालों को लॉन्ग स्ट्रॉन्ग शाइनी बनाने के साथ साथ आपके हेयर फॉल और हेयर लॉस की प्रॉब्लम को भी रोकेगा। और अगर आपके बाल मौसम के बदलने की वजह से बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं या आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो गई है तो ये उसको भी सॉल्व करेगा और आपके बालों को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाएगा। और इस एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ ऑयल को बनाने के लिए आपको सबसे पहला इन्ग्रीडियंट चाहिए कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, विटामिन ई और प्रोटीन्स होते हैं जो कि आपके बालों को बहुत तेज़ी से बढ़ने में मदद करते हैं। इस ऑयल के अंदर एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो कि आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है, जिससे आपके बाल ज़्यादा नहीं टूटते और आपकी जड़ मजबूत होती है। कैस्टर ऑयल आपके बालों को थिक बनाने में भी मदद करता है और आपके बालों को बहुत तेजी से बढ़ाने के साथ साथ आपके बालों को लॉन्ग स्ट्रॉन्ग शाइनी और लस्टरस बनाता है। कैस्टर ऑयल के बाद हमें चाहिए ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन ई बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जिससे हमारी हेयर स्कैल्प मजबूत रहती है और जिससे हमारे बाल कम टूटते हैं। इसके अंदर विटामिन ई की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है और आपकी हेयर ग्रोथ को इंक्रीज करती है। ऑलिव ऑयल आपके हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम को भी रोकता है और आपके बालों को बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने में मदद करता है। ऑलिव ऑयल के बाद हमें चाहिए नारियल का तेल या कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल के अंदर फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं जो कि हमारे बालों को टूटने से रोकते हैं। नारियल के तेल के अंदर लॉरिक एसिड भी होती है जो कि बहुत ही अच्छा होता है बालों की केयरिंग के लिए और बालों को लॉन्ग स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाने के लिए। कोकोनट ऑयल हमारे बालों को मॉइस्चराइज और कंडीशन करता है और उसके अंदर विटामिन ई, विटामिन के और आयरन जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे बालों को सॉफ्ट, सपल और शाइनी बनाने के साथ साथ डैंड्रफ, हेयर फॉल, हेयर लॉस और बाल्डनेस जैसी प्रॉब्लम से भी छुटकारा दिलाते हैं। और अब फोर्थ और लास्ट इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए वो है सेसमी ऑयल, या इसको तिल का तेल भी बोलते हैं। सेसमी ऑयल हमारे बालों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है या हमारे बालों को हार्मफुल रेस, पोल्यूशन, डर्ट और डस्ट से बचाता है और हमारे बालों को झड़ने से और प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग से रोकता है और उनको लॉन्ग स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट शाइनी और लस्टरस बनाता है। तो चलिए अब इस एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ ऑयल को बनाते हैं। और इसको बनाने के लिए आप सबसे पहले एक कटोरी में 3 चम्मच कैस्टर ऑयल ले लीजिए, फिर उसके अंदर आप 2 चम्मच ऑलिव ऑयल को ऐड कीजिए, उसके बाद आप इसमें 2 चम्मच कोकोनट ऑयल या नारियल का तेल डालिए और लास्ट में आप 2 चम्मच सेसमी ऑयल या तिल का तेल डालकर सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। और अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इस ऑयल को एक एयरटाइट कंटेनर में रूम टेम्परेचर में 25 से 30 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। और इस हेयर ऑयल को यूज़ करना भी बहुत ईजी है। इस ऑयल को यूज़ करने से पहले आप इसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए और फिर इसको अपने बालों पर और हेयर स्कैल्प में अच्छे से लगाइए और 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से मसाज कीजिए ताकि ये ऑयल आपके हेयर स्कैल्प में अच्छे से पेनिट्रेट हो और आपको ज़्यादा इफेक्ट दे। और अच्छे से मसाज करने के बाद आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए और अगर हो सके तो रात भर के लिए छोड़ दीजिए और फिर सुबह उठकर नॉर्मली शैम्पू और कंडीशन कर लीजिए। और ये हेयर ऑयल आपके बालों को बहुत तेज़ी से बढ़ने में मदद करेगा। और अगर आप इस हेयर ऑयल को हफ्ते में 2 से 3 बार लगाएंगे तो आपके बाल बहुत ज़्यादा लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, शाइनी, हेल्दी और लस्टरस बन जाएंगे और ये हेयर ऑयल आपके बालों को हेयर फॉल, हेयर लॉस और बालने जैसी प्रॉब्लम से भी छुटकारा दिलाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फ्यूचर में बहुत सारी ईजी और इफेक्टिव होम रेमेडीज़ देखने के लिए।